है। चलें बच्चों, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर वन का चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर का एक लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर टू और आज का टॉपिक है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर वन में। अब लेक्चर नंबर टू के अंदर मैं आपको यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए बच्चों देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जरा देखिएगा। ये रहे आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन जरा देखो। यूटिलिटी प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं ताकि वो अपने कंप्यूटर को क्या कर सके बेटा, मेंटेन कर सके। सही है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर दोज प्रोग्राम, पहली बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर से कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाता है ताकि वो अपने कंप्यूटर को मेंटेन या मैनेज कर सके। ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल्स दैट अलाउ द यूजर एंड कंप्यूटर टू डू द स्पेसिफिक टास्क टू मेंटेन द कंप्यूटर। बच्चों आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में कितने यूटिलिटी प्रोग्राम हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर वन इज वायरस चेकर, यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर टू इज डिफ्रेगमेंटर, यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर थ्री इज हार्ड डिस्क रिपेयरर, यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर फोर इज फाइल कंप्रेशन, प्रोग्राम नंबर फाइव इज बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर सिक्स इज सिक्योरिटी, प्रोग्राम नंबर सेवन इज डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर एट इज स्क्रीन सेवर। तो एक्चुअल में यू हैव एट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर देयर। आइए बच्चों वन बाय वन आपको बताते हैं। पहले सॉफ्टवेयर, पहले यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम है वायरस चेकर, फिर डिफ्रेगमेंटर, फिर हार्ड डिस्क रिपेयरर, फिर है बेटा फाइल कंप्रेशन, बैकअप सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी एंड डिवाइस ड्राइवर एंड स्क्रीन सेवर। वन बाय वन हम इनकी डिटेल में जाएंगे और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, यूटिलिटी प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर से कोई ना कोई काम करा सकते हैं या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर वन इज वायरस चेकर। आइए वायरस चेकर आपको दिखाते हैं। वायरस चेकर क्या करता है उसके बारे में आपको पता तो है कि भाई वायरस चेकर होता क्या है कि स्मॉल प्रोग्राम होता है जो वायरस आर द स्मॉल प्रोग्राम जो दो अपनी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने को बोलते हैं रेप्लिकेट करना। तो वायरस इज आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। इसको चेक करना, इसको चेक करके रिमूव करना, और अगर रिमूव नहीं भी हो सकता या रिमूव हो रहा होता है तो उसको हम क्वारंटाइन कर देते हैं। हाँ, तो ये टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पीसी को मेंटेन करेगा, आपके वायरसेस को रिमूव करेगा, वायरसेस को क्वारंटाइन करेगा, इसको हम बोलते हैं वायरस चेक करने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो होता है डिफ्रेगमेंटर। सही है। डिफ्रेगमेंटर भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर टू है। मैं नंबर कर दूं, दिस इज द यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर टू, ये दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम है। बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, देखें जब भी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर होता है ना तो वो अलग अलग जगहों पे प्लेस हो रहा होता है। यानी कि अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव है तो इस हार्ड डिस्क ड्राइव में ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोर हो रहा होगा, नहीं, वो दूर दूर करके कहीं पर भी जाके डेटा स्टोर हो रहा होगा। वो जो कहीं पर भी जाके डेटा स्टोर हो रहा है ना, इसको करीब करके इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे ताकि वो बिल्कुल कंटीजियस हो जाए। वर्ड मैंने क्या बोला बेटा, कंटीजियस हो जाए। कंटीजियस का मतलब क्या होता है? नाउ बिकम कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब क्या होगा कि वो बिल्कुल बराबर बराबर में डेटा आ जाएगा। ये जो मिसमैनेज हो रहा है ना, कोई भी डेटा कहीं पर भी जाके स्टोर हुआ हुआ, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज स्टोर हो जाएगा और डेटा कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा, डेटा प्रॉपर तरीके से ऑर्डर वाइज हो जाएगा। जब डेटा प्रॉपर तरीके से ऑर्डर वाइज हो जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं कंटीजियसली डेटा को स्टोर कर लो। और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, फिनोमिना इज नॉट द राइट वर्ड, प्रोसेस बोलूंगा, प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना। डिफ्रेगमेंटर। डिफ्रेगमेंटर का मतलब क्या है? हार्ड ड्राइव पे डेटा जो दूर दूर रखा हुआ था ना, हार्ड ड्राइव पे डेटा जो दूर दूर रखा हुआ था उसको करीब करीब करके प्रॉपर ऑर्डर में करे ताकि उसको एक्सेस करने में क्या हो, फास्ट हो जाए और फ्री स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। तो डिफ्रेगमेंटर का मेन काम क्या है? डिफ्रेगमेंटर या डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर टाइड्स अप, ठीक है, टाइड्स अप द हार्ड डिस्क ड्राइव एज इट बिगिंस टू रीच इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। द हार्ड डिस्क ड्राइव डिफ्रेगमेंटर वर्क्स बाय रीअरेंजिंग ब्लॉक ऑफ डेटा। मैंने भी अभी आपको बोला रीअरेंजिंग ब्लॉक ऑफ डेटा होगा, बाय रिमूविंग द स्पेस लेफ्ट फ्रॉम द अर्लियर डिलीशन ऑफ द डेटा सो दैट द डेटा कैन बिकम कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब क्या? एक के बाद दूसरा। इसका मेन फायदा क्या होता है? दिस फ्री अप द डिस्क स्पेस एंड ऑल्सो मेक लोकेशन ऑफ द डेटा फॉर द फास्ट प्रोसेस।
फॉर द फास्ट प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तीसरा हम मूव कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नंबर थ्री, विच इज डिस्क रिपेयर। डिस्क को रिपेयर करने वाला, हाँ डिस्क को रिपेयर करने वाला। चलिए आइए जी, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा डिस्क को रिपेयर करने वाला। ठीक है, डिस्क रिपेयर, आपको पता नहीं है कि भाई बहुत सारी हार्ड ड्राइव के जो है ना वो डैमेज हो जाती है, उसमें कुछ बैड सेक्टर आ जाते हैं, उस डैमेज करी हुई चीज को, बैड सेक्टर करी हुई चीज को। ये तुम्हारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, हाँ बच्चों, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी कह सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव में बहुत सारी जगहों पे आपके पास बैड सेक्टर आ जाते हैं। बैड सेक्टर आर दोस प्रोग्राम जो कि रिमूव नहीं हो सकते। अब आप उसको अनएलोकेट कर देते हो। अनएलोकेट का मतलब वहां पर काम नहीं होगा, सारा का सारा काम इस ग्रीन पोर्शन पे होगा, बाकी जो आपकी ये जो इफेक्टेड एरिया है इसको हम अलग कर देंगे कि भाई यहाँ पर काम नहीं करना, अनएलोकेट कर देना। और ये तुम्हारा वो एरिया है जहां पर डेटा स्टोर होगा, जहां पर डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो बच्चों ये काम कौन कराएगा, डिस्क को रिपेयर करने वाला। सही, कौन कराएगा, डिस्क को रिपेयर करने वाली यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर वेरीफाइज इफ इफ एन एरर हैज बीन फाउंड इन द डिस्क और नॉट। अगर होगा तो उसको अलग करके, सेचुरेट करके अलग कर देगा, अगर नहीं होगा, बैड सेक्टर वगैरह नहीं होंगे, तो वो पूरी हार्ड ड्राइव को, पूरे हार्ड ड्राइव को यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हार्ड ड्राइव को मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ये कहलाता है क्या, डिस्क रिपेयर। क्या कहलाता है बच्चों, डिस्क रिपेयर। ये तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया। नाउ चौथा यूटिलिटी प्रोग्राम यानी कि फोर्थ यूटिलिटी प्रोग्राम इज फाइल कंप्रेशन। यू नो व्हाट इज फाइल कंप्रेशन, किसी भी फाइल साइज को बड़ी, बड़े साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट कर देना। चैप्टर वन में मैंने आपको पढ़ाया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन आर देयर। पहली कंप्रेशन टेक्निक का नाम होता है लॉसी और दूसरी का नाम होता है लॉसलेस। यानी कि जो भी तुम्हारी हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर है उस डेटा को कंप्रेस करने की कोशिश करना, उस कोशिश को अटेम्प्ट कौन करेगा, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन मीन्स यू हैव टू रिड्यूस अ फाइल साइज। दो तरीके की कंप्रेशन होती है, एक होती है लॉसी और एक होती है लॉसलेस। अगर आपको लॉसी लॉसलेस के बारे में नहीं पता तो सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपकी फाइल साइज रिड्यूस होती है और ओरिजिनल शक्ल में नहीं आ सकती, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजता हूँ, जब मैं व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजता हूँ तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली फाइल कंप्रेस हो जाती है और रिसीवर के पास जब पहुंचती है तो फाइल का साइज छोटा हो जाता है। रिसीवर कहता है यार मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, यहाँ पर डेटा पिक्सेलेट क्यों हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक कंप्रेशन लगा हुआ है, उसका नाम है लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन ऑलरेडी डेटा को, लॉसी कंप्रेशन डेटा को छोटा करता है जितना मैक्सिमम हो सकता है और वापसी ओरिजिनल शक्ल में या वापसी पुरानी वाली शक्ल में नहीं आ सकता। बट लॉसलेस कंप्रेशन उतना छोटा कर सकता है जितना छोटा हो रहा है और डेटा डिलीट नहीं करता। तो लॉसलेस कंप्रेशन कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल यानी कि प्रीवियस फाइल, बट लॉसी कंप्रेशन कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल। तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक के मैसेंजर पे हमारी लॉसी कंप्रेशन है और हम जो ईमेल वगैरह कहते हैं वो लॉस, पहली बात ईमेल पे कंप्रेशन नहीं होती, अगर फिर भी अगर कंप्रेशन होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगी, लॉसलेस पे। ठीक है, तो दो तरीके की फाइल को रिड्यूस करने की टेक्निक है, एक है लॉसी और एक क्या है, लॉसलेस। ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी का नाम होता है फाइल कंप्रेशन। फोर्थ हो गई बेटा, अब आइएगा फिफ्थ। चलिए पांचवी कंप्रेशन, डेटा को बैकअप बनाना है ना भाई। बैकअप बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, बैकअप तो आपको पता है ना कि भाई मेरे लैपटॉप में बहुत सारा डेटा है, मैं उसको बैकअप बना के अपने पास रख लूंगा ताकि ताकि जब भी मेरा फाइल या कोई भी मेरा लैपटॉप वगैरह लॉस होता है या कोई भी डेटा करप्ट होता है तो मेरे पास एक और कॉपी होगी। तो एक डेटा की एक और कॉपी बना के रख लेना वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो कहलाता है बैकअप सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा, बैकअप सॉफ्टवेयर। कोई सब बात नहीं यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये मैंने आपको बता दिया फाइव, दिस इज फाइव, दिस इज फिफ्थ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ सिक्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। जैसे आप अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर बना सकते हो, भाई सबसे पहले तो मैं उसमें वायरस चेकर डालूंगा यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालूंगा। मैंने कहा भाई सिक्योरिटी में सबसे पहले एंटीवायरस चेकर आएगा यानी कि वायरस चेकर आएगा या एंटीवायरस आएगा। दूसरा
सिक्योरिटी के लिए मुझे अपने पास फायरवॉल भी डालना होगा। फायरवॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो मेरे पीसी को प्रोटेक्ट करेगा ताकि अनवांटेड या हार्म ट्रैफिक ना आ सके। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं जो भी काम करना चाहूंगा कोशिश करूंगा वो मेरा बिल्कुल हाईली इंक्रिप्टेड डेटा रहे ताकि किसी को समझ ना आए। तो सिक्योरिटी एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एक ऐसा यूटिलिटी पॉइंट है जिसमें वायरस चेकर भी आ सकता है, जिसमें फायरवॉल भी आ सकता है, ताकि मेरा डेटा जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे, ताकि मेरा डेटा जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे। इंपॉर्टेंट बच्चों, चलो तो सिक्योरिटी में सिर्फ आपको ये बातें लिखनी थी। द सिक्योरिटी सिस्टम मैनेज अक्रॉस मैनेज एक्सेस कंट्रोल टू द कंप्यूटर, भी हमने बोला इट लिंक इन टू द अनदर सॉफ्टवेयर, ये लिंक हो सकता है दूसरे सॉफ्टवेयर से ताकि चीजें मैनेज रहे, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या, वायरस चेकर एंड फायरवॉल। फायरवॉल का काम यहाँ पे बता दिए कि फायरवॉल इसलिए होता है ताकि आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट रहे, और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आप लेते रहें ताकि आपका जो पीसी है वो अप टू डेट रहे। चलो नेक्स्ट आ जाओ डिवाइस ड्राइवर। बेटा डिवाइस ड्राइवर तो मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ाया भी था, है ना? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया, डिवाइस ड्राइवर पढ़ाया था। डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर आर द प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर आर द प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को और डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ, एक तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक तरफ कोई भी डिवाइस होगी, डिवाइस कैन बी यूएसबी, डिवाइस कैन बी हार्ड डिस्क ड्राइव या कुछ भी हो सकता है, या प्रिंटर हो सकता है। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को और किसी भी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवाने वाले, आपस में कम्युनिकेट करवाने वाली जो बीच का सॉफ्टवेयर होगा ना उसको बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर आर द सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को और डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, लास्ट हमारा जो लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है स्क्रीन सेवर 8। स्क्रीन सेवर आपने पहले देखा होगा, बहुत ज्यादा स्क्रीन सेवर यूज होता था। क्यों होता था? एक्चुअल में स्क्रीन सेवर मूविंग भी होता है और स्टैटिक भी होता है। ठीक है ना, जिसका काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब लैपटॉप को आपने फ्री छोड़ दिया, उसको आप यूज नहीं कर रहे, तो वो स्क्रीन सेवर लग जाता है। स्क्रीन सेवर का मेन काम ये होता है ताकि आपका पीसी जो है ना लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद उस स्क्रीन का अगर आप कुछ शो कराना चाहते हैं तो वो स्क्रीन सेवर सेवर अच्छे तरीके से शो होगा ताकि आपका इंटरेक्टिव माहौल भी बना रहे। ठीक है, इनिशिएटेड स्क्रीन सेवर इज इनिशिएटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ द इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब है काम नहीं कर रहे होगे, जब तुम काम करना बंद कर दोगे 5 मिनट बाद जो स्क्रीन लॉक होती है उसको पहले स्क्रीन सेवर से लॉक होती है, यानी कि स्क्रीन सेवर लॉक हो जाएगी और ऊपर स्क्रीन सेवर चलता रहेगा। ठीक है, देयर आर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम सिंस स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली लॉग आउट अ यूजर, वही लॉक हो जाएगा, लॉग आउट अ यूजर इफ दे हैव लेफ्ट द कंप्यूटर अनलॉग एंड दे हैव नो एक्टिविटी फॉर। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात ये कि यार मैं अपना काम करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना काम करता, मुझे किसी ने बुला लिया, मैं चला गया। अब जब मैं चला गया तो मेरी एब्सेंस में कोई बंदा आके वो लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता है ना, तो 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और मेरा पीसी लॉक हो जाएगा और स्क्रीन सेवर आ जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सही है ना, ये बहुत अच्छी बात है और ये तो अभी भी हमारे पास होता है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ आ गए होंगे। आज का टॉपिक मेरा यही था कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम में एक वायरस चेकर हो गया, डिक्रिमेंटर हो गया, और हार्ड डिस्क को रिपेयर करने वाला, फाइल कंप्रेशन, पांचवा बैकअप सॉफ्टवेयर, सिक्स वन इज सिक्योरिटी, सेवन वन इज डिवाइस ड्राइवर, और एट वन इज स्क्रीन सेवर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का यूटिलिटी प्रोग्राम वाला टॉपिक समझ आ गया होगा।